चंद्र ग्रहण के बाद महसूस किए गए भूकंप के झटके, क्या ग्रहण और भूकंप का कोई रिश्ता है? जानिए क्या कहती है ज्योतिष और विज्ञान। 8 नवंबर 2022 को साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के बाद देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। आधी रात को आए इस भूकंप ने लोगों को खौफ ज़दा कर दिया, लेकिन क्या भूकंप, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का चंद्र ग्रहण से कोई कनेक्शन है? आइए आपको बताते हैं ज्योतिष और विज्ञान के क्या तर्क हैं। ग्रहण के दौरान भूकंप का क्या है कनेक्शन? चंद्र ग्रहण जल और समुद्र को प्रभावित करता है, जिस वजह से ग्रहण के प्रभाव से बाढ़, तूफान, भूकंप आने की आशंका बढ़ जाती है। खासकर चंद्र ग्रहण के बाद धरती पर भूकंप आने के ज्यादा आसार रहते हैं। दरअसल चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, जिससे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल समुद्री ज्वार को प्रभावित करता है, जिससे भूकंप के आने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्र ग्रहण का सीधे तौर पर भूकंप से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बीते कुछ सालों में लगे चंद्र ग्रहण और उसके बाद आए भूकंप के आंकड़ों को देखा जाए तो चंद्र ग्रहण के बाद या पहले भूकंप आने की बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। भारतीय ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का मानव जीवन और धरती पर गहरा असर पड़ता है, इसे सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं माना जा सकता।